क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि निक्की तंबोली को क्यों जासमिन भसीन ने नॉमिनेट नहीं किया, क्यों जासमिन भसीन ने जान कुमार को किया लेकिन निक्की तंबोली को नहीं किया? चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खंबागिरी, केंचो के रोहाल का सकाय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो जैसे कि आपको पता है, रूबीना और जासमिन की नहीं जमती, रूबीना ने निक्की तंबोली को नॉमिनेट किया। अभिनव शुक्ला तो आपको पता है उनके पति हैं, रूबीना दिलैक के, तो जो रूबीना करेगी, जो पत्नी करेंगी वो पति करेंगे। इस शो का ये एक फॉर्मेट बना दिया है अभिनव शुक्ला ने। अभिनव शुक्ला ने भी निक्की तंबोली को नॉमिनेट किया, जाहिर सी बात है। निशांत सिंह मलकानी ने भी निक्की तंबोली को नॉमिनेट किया। अब बचती है जासमिन भसीन, जासमिन भसीन आती है, जान कुमार सानू को नॉमिनेट करती है। क्यों उन्होंने निक्की तंबोली को नॉमिनेट किया? क्योंकि उनका एक कनेक्शन था, जो वो कहती हैं कि अगर रूबीना इसको नॉमिनेट करेगी तो मैं इसको नॉमिनेट नहीं करूँगी। थोड़ी बचपने जैसी चाल है, लेकिन चाल जो है वो पलट गई। निक्की तंबोली दुश्मन जासमिन भसीन की, जासमिन भसीन निक्की तंबोली की दुश्मन। ऐसे में जब एक दूसरे की बारी आती है और नॉमिनेशन एक ऐसा एक पड़ाव है, एक ऐसा दिन है जहाँ पर नॉमिनेशन का दिन ऐसा है जहाँ पर आप पूरी भड़ास निकाल सकते हैं। वो केक लगाओ, फोम लगाओ, कीचड़ लगा दो, बलून यानी कि गुब्बारे फोड़ दो, लेकिन नॉमिनेट करो। ऐसे में निक्की तंबोली को जासमिन भसीन ने नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि रूबीना दलाइक, अभिनव शुक्ला और जो कि निशांत सिंह मलकानी है, उन्होंने नॉमिनेट किया। आपको ये किस हद तक सही लगता है? ये कनेक्शन जो इसने नॉमिनेट किया इसलिए मैं नहीं करूँगी, ये कनेक्शन आपको किस हद तक सही लगता है ज़रूर बताएं। अगर आप बिग बॉस के फ़ैन हैं और अगर नहीं हैं तो बिग बॉस को ज़रूर देखें कलर्स चैनल पर 10:30 बजे, और वीकेंड के वार शनिवार रविवार को 9:00 बजे अगर आपने मिस किया तो वूट ऐप पर देखते रहें बिग बॉस सीजन 49। यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन को। मैं हूं एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।